सेकंड, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। अभी तक क्या था, कुछ भी लाइट आ रहा है, अगर थोड़ा पीछे शेडो भी आ रहा है चलेगा। यानी ब्लॉगिंग जब आप करते हैं, यानी वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, उसमें कुछ भी संभव है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसको लोग सुनते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता है कहाँ पर कितना कलर आ रहा है, कहाँ पर लाइट ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पर पसीना आ रहा है, ये इतना ज़्यादा हो सकता है लोग ना देखें। लेकिन जब आप फिल्म बना रहे हैं, जब आप फिल्म मेकर बन जाते हैं, तो हर चीज़ों पर लोगों की नज़र होती है। तो उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, यानी आपको फिल्म मेकिंग सीखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि आप खुद देख देख करके आपको समझ में आ गया है कि किस तरह के वीडियो में ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो उस तरह का कंटेंट तो आप क्रिएट कर ही लेंगे। सिर्फ फिल्म का शॉट की बात है, कई तरह के शॉट्स होते हैं, कई तरह के मूवमेंट होते हैं, कई तरह के एंगल होते हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप समझ लें, लाइटिंग को थोड़ा समझ लें, तो आप एक अच्छा फिल्म बना सकते हैं। यानी लोगों को बता तो सकते ही हैं, यानी आप कैमरामैन को लेकर के उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई हमको ये शॉट चाहिए, इस तरह से चाहिए। आप मॉनिटर पर देख कर भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपकी स्टोरी को यानी आपके कंटेंट को ये वेरीफाई कर पा रहा है कि नहीं, आपके कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा है कि नहीं, ये आप आराम से समझ सकते हैं। Continue to next part.